बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। करीना बॉलीवुड के दिग्गज कपूर परिवार की बेटी है। करीना अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं उनके लव अफेयर्स के बारे में। साल 2001 में आई सुभाष घई की फिल्म यादें में पहली बार ऋतिक और करीना एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस फिल्म के बाद ऋतिक और करीना ने कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्मों में एक साथ काम किया। हालांकि ऋतिक और करीना के अफेयर की खबर सुजैन को मिल गई, जिसके बाद सुजैन ने ऋतिक को डेडलाइन दे दी थी। इसी की वजह से फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ के बाद दोनों आज तक किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। इसके बाद करीना का नाम एक्टर फरदीन खान से जोड़ा गया। फिल्म खुशी के दौरान करीना और फरदीन में नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद दोनों ने फिदा और देव जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। उनकी जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आने लगी। करीना और फरदीन कई कमर्शियल एड्स में भी साथ में नजर आ चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद करीना और फरदीन अलग हो गए। फरदीन से अलग होने के बाद करीना का अफेयर शाहिद कपूर के साथ शुरू हुआ। फिल्म फिदा की शूटिंग के दौरान शाहिद और करीना के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों ने 36 चाइना टाउन, चुप चुप के, जब वी मेट और मिलेंगे मिलेंगे जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। इन दोनों का रिलेशन 3 साल तक चला, लेकिन किस्मत को शायद इनका साथ रहना खास पसंद नहीं आया और ये दोनों अलग हो गए। कई लोगों ने शाहिद कपूर और करीना के ब्रेकअप की वजह अमृता राव को माना। शाहिद से अलग होने के बाद करीना की जिंदगी में सैफ अली खान की एंट्री हुई। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान करीना और सैफ एक दूसरे को पसंद करने लगे। टशन के बाद करीना सैफ के साथ एजेंट विनोद और ऐसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके बाद साल 2012 में सैफ और करीना ने शादी कर ली। आज इन दोनों को एक बेटा है जिसका नाम तैमूर है। हाल ही में करीना ने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की भी अनाउंसमेंट की है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।